नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा DIY शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी स्किन को टाइट तो करेगा ही, ब्राइट भी करेगा, चेहरे को दूध की तरह निखार देगा। आपकी स्किन जितनी भी काली हो, अगर आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल में लेंगे, लगातार इसका प्रयोग करेंगे, तो आपकी स्किन 1 से 2 लेयर तक लाइटन ज़रूर हो जाएगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बढ़ती उम्र का असर भी कम हो जाएगा, जैसे कि चेहरे पर फाइन लाइन्स, झुर्रियाँ, रिंकल्स, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस DIY को हमने बनाना कैसे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बढ़ती उम्र का असर है, झुर्रियाँ रिंकल्स पड़ गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी मुल्तानी मिट्टी। तो दोस्तों, 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है। मुल्तानी मिट्टी की मदद से हमारी स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आपके आसपास मार्केट में हर जगह पे मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी जो है स्किन के अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ मुल्तानी मिट्टी के अंदर होती हैं, जो स्किन में छोड़ के जाती है। जब हम इसे सुखा लेते हैं तो स्किन के ओपन पोर्स और हमारी स्किन के अंदर ये जज्ब हो जाती हैं, जिससे हमारी स्किन वाइट होती है, स्किन के ऊपर अपनी क्लियर छोड़ के जाती है और स्किन को टाइट भी करती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है तो स्किन को टाइट भी करती है। तो हमने 1 चम्मच जो है वो मुल्तानी मिट्टी का लिया है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अब दोस्तों, मैसरमा का ये मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ ऑरेंज पिल पाउडर। ऑरेंज पिल पाउडर बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी की तरह लग रहा है। ये मैसरमा का ऑरेंज पिल पाउडर है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, रिच ऑफ विटामिन सी। और जो आज का रेमेडी है ना, विटामिन सी इसके अंदर बहुत आने वाला है, जिससे आप अपनी स्किन को बेहद वाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पिल पाउडर। दोस्तों, ऑरेंज पिल पाउडर से हमारी स्किन की बढ़ती उम्र के असर क्या जो लाइंस होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, वो सब दूर होती हैं और स्किन एक हेल्दी होती है, हेल्दी स्किन बनती है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुलेठी पाउडर। ये मैंने घर पे बनाया था मुलेठी पाउडर, जो बस इतना सा रह गया है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ कि मुलेठी पाउडर मेरे पास इतना सा रह गया है। ये बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, लेकिन अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो ऑफ कोर्स वो कम भी हो सकती है। तो 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मुलेठी पाउडर का। मुलेठी पाउडर जो है ये तो होती ही बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए है, झुर्रियों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को दूर करने के लिए बनाई जाती है। मुलेठी पाउडर के अंदर सभी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर एक एक करके बताने लगूंगी तो वीडियो लंबा होगा, फिर आप लोगों ने ही चलाना शुरू कर देना कि मैडम वीडियो बहुत लंबा है, आप बोर कर रही हैं। तो अभी मैं आपको इतना ही बताऊँगी। अब बढ़ती उम्र का जो बुढ़ापा है हमारा, उसे कम करने के लिए हम लेकर आए हैं फ्लैक्स सीड। जी दोस्तों, अलसी, अलसी का तेल। दोस्तों, अलसी का तेल, अलसी के बीज, अलसी की सब्जी, अलसी का खाना अगर आप खाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। अलसी के जो दाने हैं अगर आप भून कर उसका पाउडर बना लेते हैं, उसे आप दही में डाल के भी खाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है। स्किन बहुत हेल्दी होती है, बहुत रिच स्किन बन जाती है आपकी। अब मैं बस इतनी सी अमाउंट में 1/4 चम्मच इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल डाल रही हूँ। अब फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। आप इसके अंदर आधा चम्मच फ्लैक्सीड जेल भी डाल सकते हैं। ये फ्लैक्सीड की जेल भी मैंने आपको घर पे बनानी सिखाई थी, आई होप आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूंगी। ठीक है दोस्तों, ये सभी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वाली आज की रेमेडी है, स्किन को टाइट करने में, स्किन को ब्राइट करने में बहुत मदद करने वाली है। बढ़ते हमारी जो उम्र है, जैसे 28-30 साल के जो हैं हमारे मेरे इस व्यूअर जो हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, वो इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए परफेक्ट है, इवन मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि अब मैं छोटी तो नहीं होंगी, बड़ी ही जाऊँगी, तो बेटर है कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब का जल। गुलाब का जल डालकर मैं इसका एक रेमेडी जो है वो पेस्ट जो है वो तैयार करूंगी। दोस्तों, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मम्मा जो हैं, सभी मदर जो हैं, वो इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने हस्बैंड को बना के दें। जो लड़कियां जो हैं, टीनेजर जो हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स को इस रेमेडी को बनाकर ज़रूर दें, ताकि उनकी स्किन भी टाइट एंड ब्राइट हो सके। जब उनकी शादी हो तो उनके मॉम डैड बूढ़े ना लगे, बल्कि जवान लगे, उनकी स्किन बहुत हेल्दी लगे, रिच लगे। तो उसके लिए आपको उनकी स्किन का भी ध्यान रखेगा। पूरी ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, तो एक वक्त आता है कि हम भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। अगर हफ्ते में एक बार, यानी कि संडे के दिन तो आप फ्री होते ही हो, संडे के दिन अगर आप ये रेमेडी बना के उन्हें देते हैं तो दैट्स वेरी वेरी गुड। आप उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स अच्छे लगें, खूबसूरत लगें।
तो उनमें उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का खुशी होगी उन्हें भी इस चीज़ की। तो आप उनको भी बना के दें, आप भी लगाएं। अगर वीक में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हफ्ते में 1 बार तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकते हैं, स्किन को वाइट कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल में लेके देखिएगा। अगर ये नुस्खा पसंद आया है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितनी भी लेडीज़ हैं जो किटी पार्टी अटेंड करती है, तो किटी पार्टी वाले सभी अपने दोस्तों को इस रेमेडी का जो नुस्खा जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये DIY पसंद आया होगा। अगर ये नुस्खा आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर बनाएं, अप्लाई करें। अगर आप इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके रिप्लाई करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलूंगी दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।